मैं सनातनी हिंदू हूँ, ये सनातनी मुसलमान है, राम हमारा साझा पुरखा है, इनका भी पुरखा है, मेरा भी पुरखा है। ये हिंदू धर्म का तीर्थ है, ये भारत का तीर्थ है, क्योंकि मेरे यहाँ अपने अपने राम में आपने देखा होगा टोपी लगाए बहुत सारे मुसलमान दोस्त आते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं ये क्यों आए, तो मैं कहता हूँ मैं सनातनी हिंदू हूँ, ये सनातनी मुसलमान है, राम हमारा साझा पुरखा है, इनका भी पुरखा है, मेरा भी पुरखा है। 7 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले, 11 पीढ़ी पहले सामाजिक बाध्यताएं रही होगी, आर्थिक बाध्यताएं रही होगी, सैन्य शक्ति का बल रहा होगा, उन्होंने मत परिवर्तन कर लिया। राम पर जितना हिंदू कवियों ने लिखा है उससे कम नहीं लिखा मुसलमान कवियों ने, उनके मन में आज भी है। ये तो लोगों को बताया गया कि राम हिंदुओं का है, राम हिंदुओं का, राम हिंदुओं का है, तो फिर हिंदुओं का जो राजनीतिक नेतृत्व था उसने कहा हाँ राम हमारा है, अब बताओ, अब कह रहे हैं राम का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। मैंने अयोध्या आज से 30 वर्ष पहले देखी, 35 वर्ष पहले देखी, 18 साल की उम्र में पहली बार अयोध्या देखी, उसके बाद जब टेंट में थे रामलला तब देखी। वो अवांछित पत्थर जो उगाया था आतंकवादियों के कारण, आतताइयों के कारण, बलपूर्वक जो 500 साल पहले रोपा गया, मैंने उसको भी देखा, उसके ध्वस्त होते हुए चित्र भी मैंने देखे, और मैंने उस आंदोलन को भी देखा। 4 अक्टूबर की रैली जो हुई थी उसमें मैं मंच के पीछे खड़ा था, जिसमें चिदम्बरा जी ने दोनों हाथ उठाकर कविता पढ़ी और आचार्य रामनाथ सुमन मेरे ताऊजी ने उसका संचालन किया। आज हिंदू सिंधु में उमड़ा अनोखा ज्वार है, देख ले संसार हिंदू शक्ति का अवतार है। अयोध्या आते थे तो दुख होता था, क्योंकि जब बड़े हुए तो रोम गए, रोम गए तो वेटिकन गए, उनका सेंटहुड हुआ मदर टेरेसा जी, तो हमको भी बुलाया गया, सुषमा दीदी को बुलाया गया, सबको बुलाया गया, हम राजनीतिक रूप से प्रासंगिक थे तो हमको भी कहा आप भी आ जाइए, हम भी गए, तो वहाँ देख के बड़ा दुख होता था, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान का बेटा पैदा नहीं हुआ, हमारे यहाँ भगवान का मैसेंजर पैदा नहीं हुआ, हमारे भगवान ही।